फालतू की बकचोदी करने में ना आपको इंटरेस्ट है ना मेरे को, तो चलो शुरू करते स्टोरी। तो ये बात है आज से करीब 3-4 साल पहले की, तब टिकटॉक भी था और मैं फेमस भी था उस वक्त, तो तब मैं वाइंस बनाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब के लिए एक हॉरर स्टोरी बनाई जाए जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, एकदम हॉरर ड्रामा वाली एकदम फील होगी। तो मैंने स्क्रिप्टिंग की और शूट करने के लिए एक हमको एक लोकेशन चाहिए थी जिसमें बड़ा बंगला हो और एकदम प्रॉपर लोग हो, 4-5 लोग। तो बड़ी मुश्किल से मशक्कतों से एक फार्म हाउस हमको मिला, मेरे दोस्त के थ्रू किसी का फार्म हाउस था उसने दिलाया। एंड ऑनेस्टली उस वक्त इतनी अर्निंग नहीं थी कि भाई हम लोग अफोर्ड कर सके बहुत ज्यादा पैसे, तो मैंने भाई सस्ते में सस्ता ढूंढा, तो उसने बिल्कुल ही सस्ता मेरे को करवा दिया था फार्म हाउस। उस वक्त पर डे का प्राइस कुछ 1500-2000 होगा, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, हमारा शूट भी हो जाएगा। तब की बात है, अभी तुम्हारा भाई बहुत अमीर है एकदम, फुल रिचनेस। उस वक्त मेरे को शौक होना चाहिए था कि भाई इतने सस्ते में कैसे कोई अपना फार्म हाउस दे रहा है पर डे के लिए, लेकिन ठीक है सस्ते में मिल गया, हम तो राजी हो गए खूब। तो स्टोरी में बेसिकली 5 लोग हैं, मैं, सिलू को आप जानते ही हो, ओरियो था मेरे साथ में, और 2 और लोग थे, निखिल और हितेश। हम 5 शूट करने के लिए निकले, वहाँ पे पहुंचे, लोकेशन पे बहुत दूर थी, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर थी। तो हमने एंट्री की मेन गेट के अंदर, मेन गेट के अंदर एंट्री करके बढ़िया गार्डन था, स्विमिंग पूल था। हमने मेन गेट खोल के फिर अंदर का गेट खोलने गए, तभी देखा कि बाहर दहलीज पे, गेट की दहलीज पे क्रॉस बना हुआ है रेड कलर, तो हम लोग उसको इग्नोर करके आगे निकल गए। पीछे मुड़ के मैंने देखा तो ओरियो भाई उस क्रॉस के बगल में बैठा बैठा पत्थर से राइट कर रहा था यूं। मैंने कहा सुन चौकड़ी खेल ले वहीं पे बैठे बैठे। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, हम लेट उठे थे, तो आई थिंक दोपहर के आसपास पहुंचे थे। तो शूट करना स्टार्ट किया, जल्दी से लाइटिंग वगैरह सेटअप किया एकदम प्रॉपर। अचानक से एक बदबू आना शुरू हुई, एकदम अजीब सी खट्टी सी बदबू आ रही थी, पता नहीं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन बहुत अजीब बदबू सबको एक साथ आई। एंड अगल बगल में कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जहाँ से बदबू आ सके, तो हम लोगों ने फिर इग्नोर किया। मैं होगा कुछ भी, कहीं कुछ जल रहा होगा। हाँ, ये घर जो था वो उसका एक ग्राउंड फ्लोर था और उसके ऊपर एक और फ्लोर था, मतलब टोटल ऊपर 2 रूम और थे। और एक मेन चीज आपको बताना भूल गया कि उस घर का जो मालिक था, उस फार्म हाउस का जो मालिक था, उसने मेरे दोस्त के थ्रू कहलवाया था कि ऊपर का एक रूम है तो उसको ओपन मत करना, मतलब वो लेफ्ट साइड का रूम है वहाँ पे ओपन मत करना उसको। तो हमने सोचा कुछ जरूरी सामान रखा होगा ऊपर इसलिए ना बोल रहा है, पर फिर भी चूतिया ने चाबी तो गेट पे लटका रखी थी। अब ऐसे 5 लोग जिनकी गांड में भर भर के कीड़ा है वो गेट नहीं खुलेंगे क्या? तो हम तो बकचोदी करते करते घुस गए उस रूम में, और जैसे ही घुसे सिलू 2 घंटा नाचा, वो भी नंगा उस रूम में भाई, की फेमस हो गए हम लोग, नाचे ये बहुत फेमस हो गए हम लोग, तो अकेले घूमने आए हैं बाहर। मैंने कहा उसने ना बोला इस रूम में घुसने को तो कुछ होगा, क्या पता भूत का रूम हो, तेरी न्यूड्स खींच के वायरल कर देगा। फिर वो 2 मिनट सोच के फिर नाचने लग गया नंगा। तो मैंने कहा इसको इग्नोर करो, सारे बैग्स हमने उसी रूम में रखे और फिर वहां पे निकल गए। तो सिलू को हमने बोला कि भाई कपड़े पहन ले, तो उसने बस एक कच्ची पहन ली अपनी, क्योंकि उसको बेसिकली भूत का रोल करना था, तो कच्चा पहन के घूम रहा है पूरे घर में, कच्चा मतलब चड्डी ओनली। हमने कहा भूत से ज्यादा तो तू डरावना लग रहा है, क्योंकि उसकी छाती पर 35 किलो बाल है और वो खुद 40 किलो का है। तो शूट स्टार्ट हुआ, 6-7 बज गए करीब, आधा शूट कंप्लीट हुआ। हितेश जो है उसको सिगरेट पीने का बहुत शौक था, तो वो भाई साहब नए नए जवान हुए थे, नई नई मूछें फूटी थी उसकी, तो जवानी के जोश में पीछे के गेट से गया बाहर और वहां पे जाके सिगरेट जलाने की कोशिश की उसने। और हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, वहां पे हर गेट के बाहर, जो भी गेट है उसके बाहर क्रॉस, वो जो स्टार्ट आपको बताया था ना वो वाला क्रॉस था, हर गेट के बाहर जस्ट ऐसे गेट है उसके बाहर दहलीज पे ऐसे साइड में क्रॉस है। तो हितेश ने सिगरेट जलाने की कोशिश की, बुझ गई, फिर जलाई फिर बुझ गई, फिर जलाई फिर बुझ गई, तो बार बार जला रहा बार बार बुझ रही है। तो उसकी सिगरेट जली नहीं रही थी, इतने में अचानक से किसी ने उसके कान में फूंक मारी करके उसको आवाज आई, तो वो एकदम शॉक हो गया, भगवान चा कौन है, देखा तो कोई नहीं। उसकी हल्की सी फटने की आवाज उसके कानों में गूंज की तरह सुनाई दे रही थी, तो उसने अगल बगल नजर घुमाई तो उसने देखा कि वो उस क्रॉस के ऊपर ही खड़ा था जस्ट। तो उसने वहां से जरा सा हट के सिगरेट जलाई तो जल गई। अपन समझ रहे सिर्फ इंसान ही बकचोद होते हैं, भूत देखो कितनी बकचोदी करते हैं, बेचारे फालतू में सिगरेट बुझा रहा है बार बार। तो वो वापस आया, 7:30 बजे के आसपास बज गए और हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठे, ठीक है, अंधेरा सा हो रहा था, जरा जरा अंधेरा हो रहा था। ओरियो ने बोला कि भाई हॉरर स्टोरी बना रहे हैं तो क्यों ना हॉरर माहौल बनाया जाए थोड़ा सा, तो उसने हॉरर बातें करना शुरू करी। तो ओरियो बोलता कि इस रोड पे ना, ये जो बाहर जा रहा है उस पे ना, मैंने सुना है बहुत सारे भूत रहते हैं और वो ना अमास के दिन रात को निकलते हैं किसी का शिकार करने के लिए, एंड बाय कॉन्सिडेंस उसी दिन अमास भी थी, मैंने जिंदगी में पहली बार समूह में गांठ फटते हुए देखी है। तो फिर ओरियो बोला कि ये लोग ना कैसी हरकतें करते हैं, डायरेक्ट ऐसे अटैक नहीं करते, पहले थोड़ी थोड़ी ना हिंट देते। जैसे ये बोला कि थोड़ी थोड़ी हिंट देते, अचानक से स्विमिंग पूल में बड़ा सा पत्थर गिरने की आवाज, सब लोग अचानक शॉक, सब कंफ्यूज हो गए कि भाई अगल बगल में एक घर नहीं है ना कुछ, आया कैसे, और वो भी छोटा मोटा नहीं इतना बड़ा पत्थर। हम जाके दौड़ के देखे तो पत्थर उसके अंदर पड़ा हुआ था, तो सोचा कि भाई कोई पंछी वगैरह डाल गया होगा, पर पंछी रात को 7:30-8 बजे कौन सा उड़ रहा है भाई ऊपर से। लेकिन इग्नोर करके हम लोग वापस बैठे खाना खाने के लिए। फिर ओरियो ने बोला कि भाई भूत लोग जब बाहर जाते हैं ना, मैंने कहा कि क्या भूत लोग, भूत लोग क्या होता है, लोग इंसानों के लिए बनाए, लोग इंसानों का वर्ड है, हमने कभी ऐसा बोला कि इंसान राक्षस जब बाहर जाते हैं तो वो वर्ड उनका है, लोग हमारा है, भूत लोग क्या भूत लोग। तो ओरियो ने बोला चुप रहे चूतिया। फिर बोलता कि भूत जब बाहर निकलते हैं ना तो वो लोग चुड़ैल का रूप धारण करते हैं। तो क्या है, निखिल जो था हमारे ग्रुप में वो बहुत बड़ा फट्टू था, सबसे बड़ा फट्टू, वो चिपकते चिपकते सिलू के बगल में, सिलू की गोद में जाके बैठ गया और वो 110 किलो का था और सिलू 40 किलो का छाती के बालों के साथ। तो अब सिलू को सेम टाइम पर दर्द भी हो रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था
सिलो ने सिर्फ कच्ची पहन रखी थी। तो फिर ओरियो बोला कि भूत ना रात को, मैंने कहा चुप रह चूतिया, इनका सेक्स करवा के मानेगा क्या। फिर खाना वाना खत्म हुआ, वापस शूट के लिए रेडी हुए, तो सिलो को हमने बोला भाई भूत का कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन ले, रेडी हो जा, हम लोगों का थोड़ा बहुत शूट है और कंप्लीट कर लेते 10-15 मिनट में, तेरा स्टार्ट करते हैं। फिर तेरे जितने शॉट्स है उसके भूत के जितने शॉट्स थे वो ले लेते हैं एंड में। तो हमने शूट स्टार्ट किया, अचानक से ऊपर से जस्ट ऊपर की दीवार से धम आवाज आई, तो हमने सोचा सिलू वापस नाचने लग गया होगा, चूतिया उसको कपड़े पहनने भेजा है। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से, मतलब बहुत सारा वजन एकदम धम धम हो रहा है, ऐसी आवाज आई। तो हमने सोचा सिलू इतना भारी तो है नहीं, पर फिर भी इग्नोर किया, हमने आगे शूट स्टार्ट किया। और उसके बाद हमने वो सुना जो हमको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए था, हल्की सी कोई पुराने गाने की आवाज़ स्टार्ट हुई और साथ में घुंघरू की आवाज़ उस पर नाचने की। और साथ में गाने भी बज रहे हैं। हम सोचे सिलू के बड़े नवाबी शौक हो रहे हैं आज करियर, पायल पहन के नाच रहे हैं। अचानक से हितेश को याद आया कि स्पीकर तो लाए ही नहीं है हम, तो फिर गाना बज कहाँ से रहा है। हमारी बुरी तरह से फटी, इतने में और फटना बाकी थी, सामने से सिलू हमारे जस्ट सामने से टॉयलेट में से बाहर निकला, तो फिर ऊपर कौन था, हम लोग पागल हो गए, एकदम पागलों की तरह भाग रहे हैं घर में, एक चूतिया तो वापस ऊपर ही भाग रहा है, मैंने कहा चूतिया ऊपर ही है भूत, वापस नीचे खींच के लाया, एकदम पागल हो गए थे लोग। अब ये करते करते रात के 10:30 बज गए और हमने डिसाइड किया कि भाई हम लोग निकलते हैं अब यहाँ से, फटाफट भागते हैं। और जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला घर की सारी लाइट्स ऑफ, फक, हम लोग जो भागे गेट से बाहर कुत्तों की तरह भागे, सीधा गार्डन में पहुंच गए, लेट गए वहां पे जाके, और वहां पे पड़े पड़े हम लोग वो घर देख रहे हैं बाहर से, और वो ऊपर का फ्लोर भी हमको क्लियरली विजिबल है, दिख रहा है बाहर से। मैं भी आपको मजाक में बता रहा था लेकिन सच में उस टाइम ऐसा माहौल था ना, इतनी फटी पड़ी थी, मैं आपको क्या बताऊं, गांड फटके 2 BHK गोदाम बन गया था पूरा, मतलब 10 मिनट के अंदर पूरा माहौल ही चेंज हो गया था। तो सिलू बोलता कि सोच रहा हूँ चलो अब यहाँ से निकलते हैं, मैंने कहा सोच रहा हूँ अब अगर अंदर जाएंगे ना तो सिर्फ हमारी रूह बाहर आएगी, शरीर का मोह त्याग दिया है तो चलो अंदर फिर। तो जैसे जाने का सोचा हितेश अचानक से बोला कि भाई बैग्स तो ऊपर है, मैंने कहा ये चीज तू अब बक रहा है, बोलता सिगरेट जलाने में बिजी था मैं भाई, ये चूतिया ऐसे माहौल में सिगरेट फूंक रहा है, मैंने कहा सिगरेट ना तेरी गांड में डाल दूंगा, जलती रहेगी पूरी रात। फिर सोचा निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, भले ही 30 किलोमीटर दूर है लेकिन बाद में आके ले जाएंगे बैग्स वैग्स जो भी है जान पहले। जाने के लिए गाड़ी खोलने के लिए जैसे ही बड़े, हितेश बोलता भाई गाड़ी की चाबी भी ऊपर है, तो मैंने कहा ये चीज भी तू अब बक रहा है, तो बोलता भाई तूने मेरे को गाली दे दी थी, मैंने कहा भूत बाद में मारेगा मैं तेरे को मार दूंगा पहले जान से। तब और कोई चारा नहीं था तो फटे हुए ढोल जैसी गांड लेके हम लोग वापस ऊपर गए, बढ़ रहे थे एकदम धीरे 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 धीरे, फ्लैश लाइट ऑन करके सारे पहले घर के अंदर एंटर हुए, फिर धीरे 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 सीढ़ियां चढ़े, सबसे आगे मैं चल रहा था, मेरे को ये लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे थे कि अगर ये मर गया तो भाग जाएंगे फिर हम लोग। तो फिर धीरे धीरे बढ़े और उस गेट को जैसे ही मैंने खोला, मैं जैसे ही अंदर घुसा एकदम ठंडी सी हवा मेरे कान के पास से गई, अचानक से पूरे रूम का टेम्परेचर ना एकदम ठंडा एकदम कूल, जैसे एसी चल रहा हो, वहाँ पे कुछ भी नहीं था लेकिन एसी जैसा माहौल हो गया। लेकिन स्ट्रेंज बात ये नहीं थी, इससे ही बड़ी थी, मतलब पूरे रूम का माहौल ठंडा है और अचानक से मेरे गोटे पे गर्म सी हवा गई, एकदम गर्म। मैंने कहा ये कैसी फैंटेसी है भूत की यार, चलते चलते ऐसे गोटों पे हाथ फेर के जा रहा है, मजाक नहीं कर रहा, गोटे अंगार उगल रहे थे मेरे। अभी आपको ये फनी लग रहा होगा लेकिन उस वक्त सच में ये चीज हुई थी, मतलब जनरली हुई थी, फट के हाथ में आ गई थी। सबने बैग उठाया और जैसे ही निकलने लगे जो उसकी खिड़की है, खिड़की पे ऐसे कोई दस्तक दे रहा दस्तक बाहर की साइड से, बाहर खड़े रहने की जगह नहीं है। आई नो ये थोड़ा फिल्मी लग रहा होगा लेकिन सच बता रहा हूँ, अब हवा की वजह से हुआ है पता नहीं, या फिर शायद उस वक्त माहौल ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा कि भाई कोई भूत ही कर रहा है पता नहीं, लेकिन लिटरली ये ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बाहर से ठोक रहा है आना चाह रहा है अंदर। हम लोग जो भागे हैं हावड़ों की तरह भागे, एक दूसरे की परवाह किए बिना, इनकी जान चली जाए अंतिम संस्कार में ना आए अगला, इतना ऐसे पागलों की तरह भागे बिना परवाह किए, तो एकदम स्पीड में भागे और कार के अंदर बैठे। जैसे ही बैठे सिलू बैठे ड्राइविंग सीट पे, सब लोग बैठे 5 मिनट बस बैठे, मैंने कहा गाड़ी तो चला, तो बोलता भाई मेरे को कार चलानी नहीं आती, तो मैंने कहा गांड बनाने बैठा यहाँ पे, फिर ओरियो बैठा वहां पे, फिर गाड़ी भगाई है जो हमने जो भगाई है। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा डरावनी है जो हमारे साथ हुई, ये सच में बहुत फिल्मी लगेगा, अब विश्वास करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन निकलते वक्त हम सब ने घर को देखा वापस एक बारी, तो गार्डन में एक झूला था, झूला लिटरली पूरा झूल रहा था, उसके ऊपर एक बूढ़ी लेडी बैठी थी, बहुत बूढ़ी एकदम बूढ़ी, उसके हाथ में बच्चा था और बस वो झूल रही थी। सच बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ हमने सब ने देखी, एक बंदे ने देखी तो झूठ बोल देते, लेकिन सब ने देखी जो कार भगाई है देखे बिना। फिर हमको जंगलों में से जाना था पूरा घर तक, तो एकदम राम 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 जय हनुमान जी करके भागे भाई, जो भागे सीधा सिलू के घर पे पहुंचे और वहीं जाके सारे के सारे एक दूसरे के चिपक्के सो गए। सब लोगों को 2 दिन तक बुखार रहा लेकिन मैं उनकी तरह नहीं था, मेरे को 1 महीना रहा था, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एक सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ पता है क्या थी, हम सबके बैग के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, सबके बैग के अंदर अंदर की साइड, बैग की जो अंदर की साइड होती है ना, वहाँ पे वही जो क्रॉस का निशान देखा था ना, वही रेड कलर से क्रॉस का निशान बना हुआ। तो सबने अपने बैग फेंक दिए और
खत्म किया सब कुछ। फिर जो हमारा दोस्त था जिसने हमको ये फार्म हाउस सजेस्ट किया था, उसको पकड़ा, बड़े प्यार से बुलाया खाने के लिए, और जो कूटा है आज भी बहुत याद आती है। नहीं, मरा नहीं है, कनाडा चला गया अभी वो। लेकिन ये थी मेरी कहानी, हमारी कहानी, मतलब बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। तो अब मेरे पास तो कहानियाँ खत्म हो रही है बेसिकली, सच बताऊँ तो मेरे पास इतने इंसिडेंट थे जो सच में थे मेरे साथ। अगर आपको कोई इंसिडेंट शेयर करना है तो प्लीज़ ये रही मेरी ईमेल आईडी, इस पे जाके शेयर कर दो, मैं आपकी कहानी अपने तरीके से बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय, लव यू। तो एकदम स्पीड में भाग के कार के अंदर बैठा,